بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد و وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيب محمد وآل <سؤال> وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيب محمد وآل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيب محمد وآل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم वरम वालमी अल्ला बेहद करम बेहद फजल बेहद शुक्र जिन्होंने मौकाई जिंदगी की बेशुमार नमतेरमाई अल्लाह सुबहान वाली के फजलो करम से बात बनी हुई है मालिक सब की बात हमेशा बनाए रखे रमजान मुबारक अपनी रखम तु बरकतों अजमतों के साथ अपनी मंजिल की तरफ तेजी के साथ जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए कितनी कदर दो करते है भागम भाग करते हैं, कहीं हमारी नाक ना कट जाए हालांकि नाक तो हर इंसान के साथ ही रहती है मगर एक सोच है कि हमारी कहीं इंसल्ट ना हो हमने मेहमान की कदर ना की तो हम में से हर एक ने सोचना है वो हमारा मेहमान होता है ये रब का मेहमान है हमने अपने रब के मेहमान की कितनी कदर की हर एक को अपनी अपनी जगह सोचना है हमारा जो मेहमान है वो जहरी चीजों का मोहताज है खाने पीने की अच्छे अखलाक की उसकी खिदमत करें मगर जो रब का मेहमान है उसकी तलब क्या है इबादत है। आप नमाज पढ़ रहे हैं कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं सदका तो खैरात कर रहे हैं दरुदो सलाम पढ़ रहे हैं कितना कर रहे हैं जितना ज्यादा आप करते जाएंगे उतना ये रब का मेहमान खुश होता जाएगा और जब रब की बरगाह में पहुंचेगा तो रब की मखलूक के फिर करना में बताएगा कि तेरे बंधु ने किस तरह मेरी खिदमत की और फिर यही नहीं कल क्यामत के दिन कब्र में हशर में हर जगह ये रब का मेहमान आपका साथ देगा अगर आपने इसे राजी करके रब की बरगाह में बेचा अभी भी वक्त है जो कुछ दिन बाकी रह गए अपने रब की बरगाह में सच्ची तोबा कर लें। अगर इससे पहले नाफरमानियों में गुजार बैठे अपने रब की बरगाह में झुक जाए एक वही दरबार है एक वही दर है जहां से कोई खाली वापस नहीं लौटता और इसके सिवा कहीं सुकून भी कामयाबी भी नहीं है अल्लाह के महबूब की, की जात पर थ्रूज शरीफ पढ़ना इसका एक खास वजीफा बना ले जिंदगी का हिस्सा बना ले जिस तरह खाने पीने की चीजें खाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है इस तरह इसको भी अपने हिस्सा बना लें के रोजाना दिन और रात में हमने दरुज शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है बाद लोगों को बड़ा शौक होता है कि कोई ऐसा वजीफा हमें मिल जाए कि अल्लाह के, के महबूब की जियारत हो जाए उसके लिए कोई खास वजीफा नहीं होता ये मुहब्बत का सफर होता है जो मुहब्बत के सफर पर जारी रहे एक ना एक दिन वो मंजिल को पहुंच जाता है हजरत वासफ अली वासफ़ रहमत फरमाते के दरुद शरीफ पढ़ने वाला खास में रखा जाता है जिस तरह आप किसी को याद करते हैं तो अगला आपको याद करता है इसी तरह दरुद शरीफ पढ़ने वाला फरमाते के खास तोज्जो में रखा जाता है वैसे अजूर अक्रम सी जियारत के लिए कोई फर्मूला नहीं बनाया जा सकता ये अता है आप सल्लल्लाहु सल अलैहि तल्लम की खास इनायत होती है जिसे चाहे जब चाहे अपना जलवा अता फरमा दे आप मोहब्बत में अपना सफर जारी रखे दरूद शरीफ पढ़ते जाए दीदार का तकाजा न करें, क्योंकि ये मुआवजा है और जब आप सल अलैहि तल्लम खुद फरमाए तो ये नवाजश है मुआवजा न मांगना चाहिए नवाजश का इंतजार करना चाहिए ये ना समझे कि हमने जुमा जुमा आठ दिन दरुज शिफ पढ़ लिया तो हमने बड़ा काम किया हमें जियारत नसीब नहीं हो रही यहाँ लोगों की जिंदगी गुजर जाती है नब्बे नब्बे साल सौ सौ साल लोगों की जिंदगी गुजर जाती है इसी उम्मीद के मगर बात बनने पर आए एक रात कोई बन जाती है ना बनने पर आए तो जिंदगी गुजर जाती है हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। आप घर से निकले अजीम लोग थे उनकी माए भी अजीम थी ऐसी अजीम माओ को सलाम आप घर से निकले तो अपनी वालदा मोहतरमा से कहने लगे कि मैं अल्लाह के महबूब से मिलने जा रहा हूँ तो वालदा कहने लगी कि पुत्र खाली हाथ वापस ना आना वो माए भी बड़ी अजीम थी अजीम सोच की मालक थी अजीम अकीदे की मालिक थी और अजीम से अजीम ईमान की मालक थी तो फरमाने लगी पुत्र फिर खाली हाथ वापस ना आना आप रखमा चले गए सरगोदार रोड पर आपका मजार है आप जाकर दरिया के अंदर खड़े हो गए उधर से उनके इलाके से दरिया चिनाब या दरिया जेलम कोई गुजरता है आप रमत वहाँ दरिया के अंदर खड़े हो गए कि जब तक अजूर वसल्लम मुझे अपनी जियारत नसीब नहीं करेंगे मुझे खुद पकड़ के इस दरिया से बाहर नहीं निकालेंगे मैंने बाहर नहीं निकला आप रहमत एक दो तीन चार नहीं पूरे बारह साल गुजर गए आप उसी दरिया के अंदर खड़े रहे यहाँ तक कि आपके जितना हिस्सा पानी के अंदर था वो मछलियां गोश सारा नोच नोच कर खा गई, जिसम कच्चा हो गया मगर फिर भी आप अपनी मोहब्बत में निगाहें बचाए दरूद शरीफ पढ़ते रहे आखिर बारह साल गुजरने के बाद एक दिन फिर किस्मत जागी जिनका इंतजार था वो आ पहुंचे अपने हाथ से आपके हाथ में हाथ दिया अपने हम हाथ से पकड़कर आपको बाहर निकाला अपने सीने से लगाया तो बाद जब तलब सच्ची हो लगन सच्ची हो मेहनत सच्ची हो तो फिर वो आ जाते हैं अपने प्यारों से प्यार निभाने तो आप भी दरूद शरीफ पढ़ते जाए ये तकाजा ना करें अपनी अपनी इनायत होती है मुकद्दर होता है कोई आया ले के चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका ये तेरे फजल के ही सिलसिले ये अपना अपना नसीब है तो दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ इस मोहब्बत के सफर में हमेशा चलते रहे एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कब्र के अंदर भी तो अल्लाह के महबूब की जियारत होनी है जब वहां पर अल्लाह के महबूब फरमाएंगे तो ये तो मेरा वो दीवाना है जो मुझ पर इतना द्रुश पड़ता था तो कमयाबी इसी में है कि वो फरमा दें ये मेरा है मजा तब है ऐसे काम करें कि वो फरमाए ये मेरा है खुदी को कर बुलंद इतना खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है मजा तब बा है सहाबा कर रिदवान ताला अजमाइन ने प्रैक्टिकल करके दिखाया रब ताला ने फरमा दिया रदू अनह ये मुझसे राजी हो गए मैं इनसे राजी हो गया उनके लिए फरमाया कि ये मेरे हैं मजा तो इस बात में है वो भी इंसान थे जब अल्लाह के महबूब की सोबत मिली तो फिर देखिए कहा से कहा पहुंच के वरना वही थे जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दर गौर करते थे अपनी माऊ को जाकर मंडियों में बेचा कर आते थे अपनी माऊ को सताते थे बहन की कोई कदर नहीं थी औरत की कोई इज्जत नहीं थी बीवी का कोई मुकाम नहीं था मगर उस माशरे को भी अल्लाह के महबूब ने जब अपनी सोबत फरमाई तो देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच के तो मुहबत का सफर दरुद के साथ सुन तो अमल के साथ जारी और सारी रखे फिर देखे मंजिल कैसे मिलती है एक न एक दिन मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे शब कदर अल्लाह सुबह खान की ये भी हमत देखी आखिरी अशरे की हर रात में भी रख सकते थे मगर ताक रात तो मैं रखा एक रात को शब कदर तलाश करें, दूसरी रात देखें नॉर्मल रखें, ताकि मेरे बंदे आराम भी कर सकें थोड़ा बहुत आराम करें अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाएं रात के लिए रब की मोहब्बतें देखिए, हिगमतें देखिए, सुबह बात बुजुर्ग रहमत फरमाते हैं जैसे सैदना शेख अबूल हसन इराकी रहमत इरशाद फरमाते हैं कि आप रहमत कि जब मैं बालक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जवजल कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब कदर को ना देखा हो फिर अपना तजर्बा इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो शब कदर २९वीं हुई २९ शब कदर आखिरी शब कदर जो है अगर पीर का पहला रोजा हुआ तो 21 को अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो शब। अगर पहला रोजा जुमरात को हुआ तो फिर 25, 25 शब, अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने तेईसवी शब में शब्द कदर को पाया ये आप रहमत अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहे हैं। और बाद बजर्गान दीन रहमत जिनकी बारी अक की राय है कि हर साल शब कदर माह रमजान मुबारिकवें शब को ही होती है सताइसवें शब को रमजान ही को शब कदर कहते हैं अजूर सरकार सैद ना आजम रदीअल्ला भी इसी के कायल है मर अली यही फरमातेजीज मुहद भी फरमाते शब कदर रमजान की रात ही को होती है अपने बयान की तायद के लिए उन्होंने दो दलाल बयान फरमाएगी अव्वल ये के लहिला के लफ्स हरूफ़ पर मुश्तमिल है और ये कलमा सूरत कदर में तीन मरतबा इस्तेमाल किया गया इस तरह तीन को नौ से जरब देने से हासिल जरब क्या आ जो इसकी तरफ इशारा करता है कि शबे कदर में कोई है। दूसरी तवो ये पेश करते हैं कि सूर्य मुबारक में तीस कलिमात हैं, यानी तीस अल्फाज है सताइसवे कलमा ही है जिसका मरकज लदर है अल्लाह सुबहान वात की तरफ से नेक लोगों के लिए ये इशारा है कि रमजान शरीफ की कोई शब कदर होती है मगर हर शब शब कदर होती है अगर कोई कदर करने वाला हो तो जिस रात की भी कदर करेंगे रब ताला आपको नवाज देगा तो हर रात कोई शब कदर बना लें जो ताक रते हैं खूब अपने रब को राजी करने की कोशिश कीजिए अपना अपने जाने वालों का और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिए असलकम वर्क